सो यार, जिसको ना सस्ते बजट में आना है गोवा, सो इधर आ सकते हैं। देख लीजिए पूरा ऊपर को, देख कैसे क्यों निकाल रहे हो यार। वो निकाल लेंगे, देखो उनके हाथ में ऑल रिकॉर्डिंग डन। सो भाई, ये आशीष भाई, ये देखो हेलमेट पहन के पैक। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, बाकी यहाँ से बाहर निकलने के बाद प्लान बताते हैं कहाँ जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, चलें चलें ऐसे सर हिला दे भाई ये। ओए आगे बढ़ा ले भाई। सो फैमिली, अभी होने वाला है 3 o'clock और धूप एकदम ताबड़तोड़ लग रही, गर्मी इधर से इतनी खतरनाक आ रही है ना, क्या बताएं, बहुत तगड़ी। हम सोच रहे थे कि चल देंगे जब बाइक पर तो ठंडी हवा आएगी, लेकिन हम गलत साबित हो गए और बहुत तगड़ी गर्मी आ रखी है भाई। सच बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी गर्मी लग रही है ना, क्या बताऊँ। जहाँ जहाँ छाया मिल रही है ना पेड़ों की, वहाँ ऐसा लग रहा है सुकून जैसा, अदरवाइज तो बहुत तगड़ी गर्मी है। और अभी दिन का टाइम है, देख लो रोड में भीड़ कम है। एक चीज़ का फ़ायदा है कि ट्रैफिक कम रहता है, लेकिन आगे जाके वही हाल हो जाती है। सो जैसे ही पहुँचे हम काठगोदाम, ट्रैफिक देखो एकदम ख़तरनाक वाला। ये होता है क्योंकि नैनीताल का मेन सीज़न है ना गर्मी की वजह से, तो ये ट्रैफिक रहता है भाई। चेक करो गाइस क्या ट्रैफिक है, बहुत तगड़ा वाला। ट्रैफिक बहुत तगड़ा है ना, ये थोड़ी सी आगे बढ़ा लेता मैं यहाँ से निकाल लेता है। आगे बस पुलिस वाले खड़े ना हो। बस आ गई, अब हमें रोकनी पड़ेगी कहीं साइड। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ना उधर से पूरा लाइन ट्रैफिक का, तो थोड़ा थोड़ा जगह मिल रहा है तो निकल लेते हैं आगे को, है ना।
बहुत तगड़ा ट्रैफिक है भाई। सो गाइस अभी हमें भीमताल की पुल पे आधा घंटा हमने वेस्ट किया ट्रैफिक पे, और अभी गर्मी हो चुकी है बहुत। अब हमारा प्लान बना हुआ है, हम जाएंगे जमरानी और बढ़िया सी नदी में जगह देख के नहाएंगे मज़े से, क्योंकि ये गर्मी का एक ही तोड़ा बढ़िया करके नहाएंगे नदी में कहीं पे। ठीक है, ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं जाएंगे जहाँ भंवर होता है, क्योंकि इस नदी पे भंवर भी हैं, वो जगह हमें मालूम है, वहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ बिल्कुल प्लेन रहता है, थोड़ा बहुत पानी होता है, उधर ही जाएंगे हम लोग। हम पहुँच चुके हैं अभी आपका अमृतपुर, और अमृतपुर से अभी मैं तुम्हें क्राउड चेक कराऊंगा था। ठीक है, नीचे नदी में क्राउड चेक करो गाइस, ये देखो नीचे गाड़ी वाड़ी लेके सब मजे ले रहे हैं। नीचे देखो, ये है नीचे का क्राउड भाई। ओए होए क्या क्राउड है देख रहे हो आप लोग। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी शाम को बहुत तगड़ा क्राउड हो जाता है, और हम हमेशा की तरह इधर ना रुक के ऊपर जाएंगे। सो फैमिली, ये पूरा वाला एरिया दिख रहा ना, इधर बनेगा जमरानी बांध। जैसे मैं इधर तो बहुत बार ही आ रखा हूँ, बहुत सारी वीडियोज है मेरी इधर 2-3। तो आज हम एक लोकेशन ढूंढने वाले हैं बढ़िया सी, जहाँ हमें नहाने के लिए अच्छा रहे, और इससे प्यारी लोकेशन अगर ऊपर पानी का लेवल अच्छा हुआ तो ठीक है। वैसे जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि मिल जाए हमें वहाँ एक अच्छी अच्छी जगह, अदरवाइज हम नीचे वापस ही आएंगे। बट आशीष भाई को पूरी जगह दिखा देता हूँ यहाँ की। आशीष भाई बैठे हैं पीछे मेरे साथ पे, वहाँ भी गए हैं लोग ना, गाड़ी बस गई है यार। हैं पूरी बस गई है देखो, क्या पूरी बस गई है। ये वाली लोकेशन सही है यार आशीष, मुझे तो लग रही वहाँ से निकले कहने की पानी पानी से निकले का आता है यहाँ से, मिट्टी कैसी है बहुत। तैर आगे वाला धसाई तो सही, इसलिए मेरे को डर लग रही कि कहीं फिसले ना। सोचा पहले गियर में डाल देता हूँ ना यार, पहले गियर में दब के चलेगी गाड़ी, अब दूसरा। सो फैमिली, हमारी लोकेशन ये है, आशीष भाई ले रहे हैं उधर मज़े। तो सबसे ऊपर आए थे, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग और ऊपर को गए हुए हैं, तो थोड़ा गंदा जैसा हरा पानी, और भाई धूप लग रही थी ना, यहाँ आके सही हो गया मस्त। आशीष भाई सही हो रहा? बस बढ़िया एकदम, खुद ही तैर जा रहा भाई बंदा, तैरना भी नहीं पड़ रहा, मज़े। फाइनली ये है हमारी लोकेशन, और आशीष भाई आएंगे वहाँ से पानी में बहते हुए। ये देखिए मस्त इंजॉय। सो यार, जिसको ना सस्ते बजट में आना है गोवा, सो इधर आ सकते हैं। देख लीजिए पूरा ऊपर को, देखिए पूरा बीच जैसा बन रखा है। सामने देखिए वो, देखो आशीष कपड़े चेंज कर रहा है, पर जूते पहनना मतलब कब पानी में ना गिर जाऊं हो रही उसको। तो कम से कम हल्द्वानी से 100 रुपये का तेल डालो, इधर आओ और बढ़िया करके अपना गोवा घूमो मस्त करके, बढ़िया करके भाई। नहा लिया, मज़ा आया भाई, ऊपर से इधर तक आ रहे थे तैरते तैरते, और इसमें देखो कितनी लंबी कतार है, नीचे तक गए तो बहुत प्यारा लगता है भाई। अब थोड़ी कपड़े सूखने देते हैं, पहन तो लिए हैं लेकिन गीले हैं, पूरा ऐसा लग रखा है पैजामा में टॉयलेट कर रखी होगी करके। सो आशीष मज़ा आया भाई आज? तो आप आज क्या कहते हो, न्यूज़ रिपोर्टिंग करी जाएगी आशीष भाई की? आशीष 100 रुपये में गोवा जाना हो तो किधर जाएं? ये देखो यहाँ आए हो, यहाँ आओ भाई 100 रुपये में। आशीष का ड्राइविंग देखो भाई आज, नहीं मत कर रहे, धूल उड़ जाएगी बोल। आगे वाला पूरा ब्रेक दबा, चल मोड़ यार, आगे वाला पूरा ब्रेक दबा, नहीं होगा। सो फैमिली, अभी हम लोग जाने लगे हैं वापस। ठीक है, अभी हमको जाके ड्यूटी भी करना है, तो
निकल रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ रूट है। ऑफ रूट क्या है, मतलब बड़ी ट्रॉलियों ने पूरा रास्ता बेकार करा हुआ है। पहले अच्छा था ये, आपने पहली वाली वीडियोज में देखा होगा, धीरे धीरे सारा ख़राब हो चुका है। लेकिन जो भाई इधर मज़ा आया ना, एकदम नेक्स्ट लेवल के। तो 100 रुपये का खर्चा है मात्र, आओ बढ़िया करके गोवा और मनाली के मज़े लेके जाओ। हाँ हाँ आ जाएगा, तेरे को भी चलाना आ जाएगा, तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। भाई अपना भाई है नेपाल से, इसने बाल कितने मस्त करा रखे देखो। ये कैमरा है तो हम भी चश्मा लगा लेते हैं। ये देखो चश्मा लगा ले रहा भाई, नेपाल में धनगढ़ी से आगे रहता है का। मैं गया हूँ यार वहाँ, काठमांडू सब। हाँ काठमांडू भी गया हूँ मैं। काठमांडू हमारे गाँव से सुबह 6 बजे जाओगे तो शाम को 7 बजे बहुत ही है धनगढ़ी से। तो धनगढ़ी में वो भी तो है हवाई अड्डा ना, फिर यहाँ कहाँ करता है काम वाम करता कहीं? हाँ इधर काम करता। अच्छा बहुत बढ़िया है यार, ऐसी है यार, ये दिखने की बढ़िया है। और क्या बताएं तेरे को, खर्चा बहुत है। पेट्रोल कितना खाता है ये? खाता नहीं पीता है, देख इतना बड़ा पेट है इसका। ये कितना लीटर जाता है? कितना लीटर जाता होगा इसमें? 18-20? नहीं यार इतना नहीं जाता, 12-13 लीटर। दिन भर चल जाता है? हैं? दिन भर चलता है। तो टैंकी भरा दे, हम अभी 1 घंटे में फूकाएंगे। लौंडा तो ग्रेट लग रहा है तू, नाम क्या हुआ? राजन। राजन आगे को? परियार। हैं? परियार। परियार या परिहार? परियार। परिहार होगा मतलब तेरे। परियार। तो क्या यार? चल ठीक छुपे यार, परियार हिटनो यार है। हमारे ड्यूटी टाइम भरो। आगे चक्का उठा लेते हो? हैं? व्हीली बांधते हो कि नहीं? व्हीली। विली पता होता है क्या होती है? विली क्या होती है? आगे का चक्का उठता है। उठा ले, उठा तो। नहीं ये आगे का चक्का उठता है। अभी यहाँ नहीं पड़ती वो, सी रोड में। चलो फिर भाई, चल फिर भाई मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना ठीक है। कौन सा चैनल है? लव ठाकुर ब्लॉग्स। हाँ लव ठाकुर ब्लॉग्स मोबाइल है? नहीं, लव ठाकुर ब्लॉग्स। हाँ लव ठाकुर। अरे भोलू भाई न्यूट्रल चलाओ, न्यूट्रल तेल बचाओ, न्यूट्रल चलाओ। सही है सही है। हम तो ऊपर नहाने गए थे यार। हमारा क्या, तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम कौन सा मंदिर से आ रहे हो? भाई जितना ट्रैफिक ऊपर को जाते वक्त था उससे ज़्यादा ट्रैफिक अभी भी है, सेम देख सकते हैं आप लोग, यही हालत रहती है ट्रैफिक की। भाई आने वाले कुछ सालों में तो भाई कंडीशन बेकार होनी है कुल मिला के जो भी है बाकी। अभी हम लोग हाईवे से नीचे उतरे, तो हाईवे से आने का एक फ़ायदा होता ना, थोड़ा सा ट्रैफिक जो है ना फ्लो में रहता, मतलब चलते रहेंगे, मतलब 20-30 की स्पीड में गाड़ियाँ चलती रहती हैं और आड़े तिरछे से ऐसे कोई नहीं आता है। तो हाईवे से जाने का एक फ़ायदा होता है, अगर हम उधर वाले से निकलते, गली से इतने लोग निकलते आते हैं, उनको बोल सकते हो आप अंधे लोग, वो बिना आँख देखे मोड़ देंगे या कट मार लेते हैं, ठीक है? नहीं वो सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है। अभी हम पहुंचने वाले हैं मुखानी चौराहे और हल्द्वानी आके, इतनी धूप लग रही ना भाई, सही बता रहा हूँ। पहाड़ों में इतना अच्छा मौसम है यार, वहाँ को मतलब इतनी ठंडी हवा थी ना, हम नहा रहे थे तो मतलब भाई हमने कहा चलो अब बहुत हो गया चलते हैं, ठंडा लगेगा, लेकिन यहाँ आके वही गर्मी, एकदम बहुत हालत ख़राब भाई। ये लो अंजे, क्या हो गया? कौन है?
हेलो, पैसे क्यों निकाल रहे हो यार? वो निकाल लेंगे, देखो उनके हाथ में। ऑल रिकॉर्डिंग डन। देख रहे हो भाई कितनी दारू पी रखी है यार। गाइस देख लो, शराब पीने वाले का पति ये भी इतनी शराब पीता है। ये साले को भी मैंने समझा दिया दारू मत पिया कर करके, बहुत पीता है अभी दारू। परसों तो ये भी पड़ा था भाई, इसको उठा के लाए रात को। ये देखो भाई गाड़ी लगा दी है लाइन से ऐसे। मेरे 1 लाख कर दो, ऐसे करके गाड़ियों की लाइन लगा देंगे हम। धूल हो रखी होगी ना दवा के। चलो कोई नहीं। धूल सो यार फैमिली, अभी हो चुका है 11 o'clock, ड्यूटी हो चुकी है ख़त्म। अब सोने की तैयारी भी चल रही है, नींद भी आ रही है। और अगर आपको कम पैसों में एंजॉय करना है हल्द्वानी के अंदर, सही बता रहा हूँ, आप जमरानी साइड पे निकल जाओ, बढ़िया करके नदी में रिवर में एंजॉय करो और अपना आ जाओ टाइम से, ठीक है? ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं रहती, जो ट्रैफिक रहता है आपका कार्ड गोदाम से लेकर रानीबाग तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता, ठीक है? तो वो थोड़ा ट्रैफिक का थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नैनीताल जाने की सोच रहे ना, इस टाइम पर बहुत कंजेस्टेड है, बहुत कंजेस्टेड। भीमताल को भी सेम हालात है, दो दो तीन तीन घंटा लोग जाम में फंस जा रहे हैं, तो ये दिक्कत है। बाकी यार अपना वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। 2023 का हमारा मिशन है कि 1 लाख सब्सक्राइबर हम कंप्लीट कर लें और अपनी YouTube की फैमिली को 1 लाख मेंबर्स कर लें। तो आप लोग जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे ना, मेरे लिए उतना अच्छा है। आप लोगों को ना एक से एक अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर कर डालेगा आपका भाई। सो ऐसी ऐसी जगह दिखाएगा ना जहाँ पर अभी तक लोग रहे भी नहीं हैं, मैं उधर जाके दिखाऊंगा आपको एक्सप्लोर। बट थोड़ा सा क्या होता है ना, मनी प्रॉब्लम आ जाता है, जॉब के साथ ये सब कुछ कर पाना मुश्किल होता है। तो आप वीडियो को तब तक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी लोग से फिर से नई वीडियो में, तब तक फिर जय हिंद जय भारत।